फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली फ्यूचर टिप्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा फेस पैक जिसको अगर आप एक बार ट्राई करके देखेंगे ना, तो आपको बार बार यही फेस पैक ट्राई करने का मन करेगा और इससे आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो पार्लर जाकर आप जो फेशियल करवाती ना उससे कहीं ज़्यादा गुना आपको बेहतर रिजल्ट इस फेशियल से मिलने वाला है, मीन इस फेस पैक से मिलने वाला है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरे आखिर तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं इस वीडियो में जो लेके आई हूँ फेस पैक, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, जैसे कि अगर आपके फेस पर सनटेन है, रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, कैसे भी आपको निशान हो गए हैं, तो इन सबको रिमूव करेगा। डार्क सर्कल्स हैं तो ये उनको भी रिमूव करेगा, और अगर आपके लिप्स काफ़ी डार्क होने लगे हैं तो ये उनको भी रिमूव करेगा। साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ बनाएगा, ड्राइनेस को दूर करेगा। तो देखा दोस्तों, एक ही फेस पैक के आपको कितने सारे बेनिफिट्स होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए डार्क चॉकलेट। आपको किसी भी शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। डार्क चॉकलेट के हमारे त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों डार्क चॉकलेट में कोको सॉलिड, कोको बटर, आयरन, कॉपर, फ्लेविनॉल्स, जिंक और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें। साथ ही दोस्तों, डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो कि त्वचा में कसावट लाता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी चॉकलेट ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस मास्क पर अप्लाई करती हैं तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, आपकी स्किन को जो ड्राइनेस है उसको दूर करेगा और काफ़ी हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है, चमक आती है, और जो आपकी स्किन पर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो ये उसको बहुत ही इजीली रिमूव करेगा। साथ ही दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे डार्क चॉकलेट। आप डार्क चॉकलेट को जो है मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के लिए आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और इसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसकी हेल्प से इसको मेल्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको हल्का सा कद्दूकस करूँगी और इसको डबल बॉयलर की प्रोसेस की मदद से हम इसको मेल्ट कर लेंगे। मीन्स आपको एक बार में गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आप इस जो मेल्ट कद्दूकस की हुई है जो चॉकलेट है, मैं इसको रख दूँगी जिससे ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप देख सकते हैं मेरी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच बेसन। अब आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए दही, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एक चम्मच दही, और अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये जो मास्क है एक बहुत ही अच्छा काफ़ी एक्सपर्टर की तरह भी काम करेगा, मीन्स आपकी जो डेड सेल्स हैं स्किन में ये उनको रिमूव करेगा, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि हम अपनी त्वचा की जब देखभाल नहीं करते हैं तो काफ़ी मृत कोशिकाएं इकट्ठा होने लगती हैं, जिसकी वजह से त्वचा काफ़ी डल हो जाती है, डार्क हो जाती है, जैसे कि आपने माथा या फिर चेहरे के एरिया होता काफ़ी काला काला दिखने लगता है, तो ये वो डेड सेल्स जमा होने की वजह से ही होता है। तो हमें हफ्ते भर में कम से कम एक बार अपनी त्वचा को एक्सपोज जरूर करना चाहिए, मीन्स स्क्रब जरूर करना चाहिए। तो ये जो मास्क है बहुत ही अमेजिंग है, एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये मास्क बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, इस मास्क को, इस पैक को आप अपने फेस पर, गर्दन पर, पूरे बॉडी पर कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं, और अप्लाई करने के बाद आपको ये क्या करना है, रब करना है, मसाज करनी है इसकी मदद से। तो आप सर्कुलर मोशन में सर से गोल गोल घुमाते हुए अपने फेस को, गर्दन को, हाथ पैर को मसाज कीजिए। अगर आपकी गर्दन काफ़ी पीछे का पार्ट काफ़ी डल हो गया है, काफ़ी डार्क है, तो आप वहाँ पर इसको मसाज कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी डार्कनेस है, डलनेस है, जो भी डेड सेल्स जमा हो गई हैं, तो ये उनको रिमूव करके स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है और बहुत ही ग्लो लेके आएगा। तो हो सकता है कि आपको एक बार की एप्लीकेशन से रिजल्ट ना मिले, तो आपको करीबन ये हफ्ते में दो बार ज़रूर इस्तेमाल करना है, दो तीन बार आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने इसमें बेसन और दही लिया है, तो इससे आपके सिर्फ कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, नेचुरल है और बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन के लिए फायदेमंद भी है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, जो भी रिजल्ट मिलता है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई रेमेडीज लेके आऊँ जिससे आप, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो फ्रेंड्स, इधर मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।